देखिए, अभी डिलीवरी में थोड़ा डिले हो रहा था और वो डिले 3 से 4 दिनों का था, लेकिन विगत एक दिन हम लोगों ने इसका जो गैप रखा था उसके बाद से हमारी मैक्सिमम डिलीवरी जो है वो हो गई है। एक दिन का ही गैप बचा हुआ है, लेकिन अभी हम लोगों ने दुकान की संख्या बढ़ाकर 1,000 से ऊपर भी लेके गए हैं। लगभग 1,300 के आसपास हमने रिटेलर्स की दुकानें कर दी हैं और हम लोग अब जो हम लोगों ने अपने लिए टारगेट लिया है और जिसके लिए सभी को निर्देश बहुत कड़ाई से दिए गए हैं कि किसी भी हालत में एक दिन से ज़्यादा का डिले नहीं होना चाहिए। अगर आज हम कोई ऑर्डर ले रहे हैं तो कल हर हालत में, भले ही रात के 10, 11, 12 बज जाए, लेकिन उसको हर हालत में अगले दिन डिलीवर हो जाना चाहिए। इसके लिए एक तो हम लोगों ने दुकानों की संख्या बढ़ाई है, लगातार हम लोग और बढ़ाते भी जा रहे हैं। 223 से हमने शुरू किया था 5 तारीख को और आज हम लोग लगभग 1,300 दुकानों पर पहुँच गए हैं 8 दिनों के अंतराल पर। इसके अलावा कुछ जगहों पर यह भी देखा गया है कि जो किराना व्यापारी हैं उनके पास में लेबर्स की भी कमी रहती है और उनके पास में साधन भी नहीं रहते हैं जिससे वो होम डिलीवरी कर सके। इसके लिए हम लोगों ने उनको लोडिंग रिक्शा मुहैया कराने का फैसला किया है और जिसका पूरा खर्च जो है नगर निगम के द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे 200-300 लोडिंग रिक्शा हमारे द्वारा लगाए जाएंगे। लेबर के संबंध में भी आज सुबह जब सभी जडोस की और वार्ड प्रभारियों की मीटिंग ली गई, उसमें बताया गया है कि अगर लेबर्स की भी उनको आवश्यकता है तो कई सारे हमारे लेबर, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के हों, चाहे अमृत के हों, चाहे हमारे दूसरे प्राइवेट बिल्डर्स के लेबर्स हों, आजकल वो अवेलेबल हैं और उनके पास में कोई काम नहीं है। तो अगर उनको भी हमको किसी तरीके से यूज़ करना है तो लोग पास बनाकर उनको भी दुकानों पर लगा के कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हालत में एक दिन से ज़्यादा का डिले ना हो। इसके अलावा नगर निगम की तरफ से हम लोग एक ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक पैकेट बनाया है जिसकी कीमत लगभग 500 रुपये की है, जिसमें आटा, दाल, चावल और वो सारी चीज़ें हैं। उसको हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही और प्रीपेड बेसिस पे वो करेंगे, सप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें एक शर्त ये रखी है कि कम से कम 10 पैकेट्स की अगर वो होगी, डिमांड होगी, तभी हम उसको पहुँचाने का काम करेंगे। ये सामान्यतया जो मल्टीज़ हैं, ये जो हमारे रहवासी संघ हैं, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं जो बल्क से जुड़े हुए हैं और हमारी डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ी से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर नहीं हो पाते हैं, उनके लिए ये विशेषकर व्यवस्था रहेगी और तत्काल उनको सेम डे 24 घंटे में हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये भी अभी 2-3 घंटे के अंदर हम लोग लॉन्च कर देंगे। देखिए, सप्लाई मुख्य समस्या नहीं है, सप्लाई बराबर बनी हुई है, लेकिन आपका ये कहना सही है कि कई बार होता है कि रिटेलर बहुत छोटी डिमांड प्लेस करता है सप्लायर से, कि अगर वो 2 कट्टे चीनी या 2 कट्टे चावल अगर मंगाता है तो सप्लायर जो है वो असमर्थता भी व्यक्त करता है, मैं अपनी गाड़ी नहीं भेज पाऊंगा। और रिटेलर का ये कहना है कि चूँकि हमारी गाड़ी डोर टू डोर वितरण में लगी है, ऑर्डर देने में लगी, इसीलिए हम भी गाड़ी नहीं भेज पाएंगे। इसके लिए भी आज सभी जेडोज़ को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जेडो को रूट वाइज हम लोग 2-3 लोडिंग रिक्शा उपलब्ध करा रहे हैं, और अगर किसी रिटेलर को सामान मंगवाने में असुविधा हो रही है तो वो गाड़ी यूज़ करके होलसेलर से सामान मंगवा भी सकता है, या अगर 2-3 रिटेलर्स का जो सामान है उसको क्लब करके अगर किसी होलसेलर से मंगवाना है तो वार्ड प्रभारी या जोन जेडो के समन्वय से उसको मंगाया जा सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।